तो जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, शानदार, अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त आपकी दुआओं के सदके। तो मैं अभी मौजूद हूँ KLCC के थोड़ा सा पास। जैसा कि आपने कुछ मेरे रमज़ान के लास्ट व्लॉग देखे होंगे तो उसमें आपको पता होगा, BBQ नाइट्स के नाम से होटल है जलान बुकिर बिनतांग की साइड पर। और हम यहाँ पर आए हैं, तकरीबन 6 बज गए। पहले आने का मकसद ये होता है कि ज़रा तसली से ऑर्डर दे के उनको 7 बजे का टाइम दे दिया जाए और फिर अफ्तारी में ज़रा गरम गरम खा लिया जाए, क्योंकि ये जगह मेन केएल के हब में आती है, आसपास काफ़ी रश है और चीज़ें ऐसी हैं कि जैम लग जाते हैं और हम जैम में आना नहीं चाहते। तो अभी हम पहुंच गए हैं BBQ नाइट्स पे और ऑर्डर अभी हमने प्लेस नहीं किया क्योंकि हरुणबे लोग भी आ रहे हैं आज। और ये पीछे होटल है। मेरा एक व्लॉग था जिसमें मैंने मोबाइल से रिकॉर्डिंग की थी और लाइव बारबेक्यू सेशन आपको दिखाया था, तो वो इसी होटल का है। कुआलालंपुर में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं लेकिन ये वन ऑफ़ द बेस्ट है। इनका बारबेक्यू सबसे आला है, सबसे लजीज, सबसे ज़बरदस्त। मलाई बोटियाँ, मलाई टिक्के, रेशमी कबाब और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। तो मेन्यू भी आपको दिखाएंगे और साथ साथ आपको खाना भी दिखाएंगे, खाते हुए भी दिखाएंगे अपनी अफ्तारी। अफ्तारी में आज डायरेक्ट खाना ही खाएंगे क्योंकि काफ़ी ट्रेंड लोग ये फॉलो करते हैं, काफ़ी लोग खाते हैं, हम भी खाते हैं, हमारे घर में भी चलता है डायरेक्ट अफ्तारी में खाना। तो आज भी हमारा ऐसे ही कुछ सीन प्लान बन गया है। तो अभी हम जाएंगे होटल का, थोड़ा ओवरव्यू करेंगे और साथ साथ आपको खाना भी दिखाएंगे, खाना बनते हुए देखेंगे, लाइव सेशन जो बारबेक्यू का होगा वो देखेंगे। बड़ा मज़ा आने वाला है, बड़ा मज़ा आने वाला है, बड़ा मज़ा आने वाला है। और फिर खाएंगे, आपको रिव्यू देंगे और फिर घर जाके सो जाएंगे। सोएंगे तो क्या नहीं, सैरी करेंगे। तो मिलते हैं यहाँ आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। तो जी ये मेरे सामने मैकडॉनल्ड्स है और इसके साथ ही एडजेसेंट है इनका होटल, बिल्कुल साथ ही BBQ नाइट्स। और इसको ट्रिप एडवाइज़र पे काफ़ी ज़्यादा रेटिंग भी है इनकी, अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हुआ तो। ये मेन रोड है जहाँ से एक राजा जलान बुकिर बिनतांग में जाती है और एक रोड KLCC की तरफ जाती है। साथ हमारे यहाँ पे क्लब्स वगैरह हैं बने हुए और मोस्टली हम इस होटल के नीचे पार्किंग करते हैं वहाँ पर पीछे, लेकिन वो भी फुल था और यहाँ पे रश आप देख रहे हैं भी शुरू हो गया। हमने पार्किंग गाड़ी वहाँ पे ले गई है और ये कुछ माहौल है यहाँ पे। मैकडॉनल्ड्स के बिल्कुल साथ है ये होटल और बड़ा खूबसूरत इन्होंने छांव और ढका हुआ है बड़ा खूबसूरत अंदाज से। तो बाकी हमारे पास और भी काफ़ी बारबेक्यू ग्रिल्स वगैरह ऑप्शन हैं लेकिन वो हम खा नहीं सकते, पता नहीं किसके होंगे। तो ये होटल है जी और इनका यहाँ पर छोटी सी सिटिंग है, इनकी इतनी कोई ख़ास सिटिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकते। हैवी बारबेक्यू सीन इज़ ऑन राइट नाउ। और ये हमारे सामने मलाई बोटी है, चिकन विंग्स हैं और ये हमारे पास मलाई टिक्का है और ये हमारे पास फिश टिक्का है। तो वाह सीन ऑन हो गया और अभी ये है कि अपना हमारे पास टाइम जो है वो तकरीबन रह गए हैं 20 मिनट अफ्तारी में और हमारा बारबेक्यू जो वो लगना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता। लुक एट दिस यार, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। तो जी मैंगो लस्सी हमारी आ गई है और हमारे रेशमी कबाब भी आ गए हैं और हमारे चिकन विंग्स भी आ गए हैं
और रोटी भी आ गई है, और ये मलाई बोटी भी आ गई है, कस्तूरी बोटी, तकरीबन सब ऑर्डर रेडी है। तो जी नाजरीन, वेलकम बैक। मैं घर आ गया, और घर आके जब मैंने वीडियोस देखी तो एंडिंग वहाँ पे सही नहीं हुई थी। उसकी रीज़न ये थी कि मेरे कैमरे के लेंस के ऊपर चिकनाहट लगी थी, जिसको ऑयल कहते हैं खाने का, और उसकी वजह से मेरे ऊपर सारा ब्लर था, वो वीडियो सारी ब्लरी थी। तो मैंने कहा वाई नॉट अभी आपको अल्लाह हाफिज़ कर देता हूँ, एंडिंग जब नहीं होती तो मज़ा नहीं आता वीडियोज़ में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी नई चीज़ों के साथ, नए खाने के साथ और नई वीडियो के साथ। और इतनी मेहनत की जाती है आप लोगों के लिए, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये चीज़ें मस्ट हैं, कर दिया करें। आपका कोई ठेंगा भी नहीं लगेगा, ना ही एक रुपया लगेगा आपका, सिर्फ आपने बटन प्रेस करना होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।